प्रस्तुत की मुमताज नसीम ने, जितनी अच्छी वंदना प्रस्तुत की उससे ज्यादा अच्छी तरीके से आपने स्वीकार किया। आइए पहले कवि को आपको सौंपता हूं। हास्य व्यंग का कवि है, रिपोर्टर भी है, बैठ जाओ। खींच गए अब, कितने खींचोगे? होता है कैमरामैन लिए घूमता रहता है, ये भटकती आत्माएं, इनको चैन नहीं पड़ता जब तक कार्यक्रम पूरा नहीं हो जाए। खींचे नहीं खींचे, बार बार ऊपर नीचे करना लगा रहता है। टीवी पे भी कैमरामैन सब, इनको भी प्रणाम करता हूं। जींस के ऊपर काली ड्रेस, ऐसा लगता है जैसे बाबा रामदेव का काला धन यही आ गया। बाबा भी परेशान है। अच्छा, आम आदमी करे तो करे क्या, रात को 12 बजे तक टीवी पर वो एकता कपूर सोने नहीं देती, और सुबह 4 बजे बाबा जगा दे, दाएं से खींचो बाएं से छोड़ो। अब जो आदमी ढंग से 6 घंटे सो नहीं सकता, कहीं से खींचे कहीं से छोड़े, बीमार ही रहेगा भगवान की कसम। मेरी पत्नी ने भेज दिया जबरदस्ती, बाबा रामदेव के शिविर में जाओ। अरे मैंने कहा स्वस्थ हूं प्रसन्न हूं, जबरदस्ती काहे के ले जाओ? अरे बोले जाओ, बड़ा फायदा होता है। मैंने क्या फायदा हुआ, मेरे को ले जाके बिठा दिया, एक एक फिट छोड़ के बिठाते, बाबा सामने बैठे, मेरे एक फिट पीछे एक बुजुर्ग सज्जन बैठे, उनको कस के जुकाम, बाबा ने वहां से आदेश दिया खींचो, उसने सड़ 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 करके 2-2.5 मिनट खींचा, फिर बोले रोको, उसने रोक के रखा, फिर बोले छोड़ो, उसकी पता नहीं 1.5-2 महीने का रखा स्टॉक पूरा, छोड़ा उसने, धोने के बाद भी 3 दिन तक बदबू आती रही। तो जरूरी नहीं कि योग से फायदा ही हो, बस आप तो मस्ती में रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, टेंशन बिल्कुल मत पालना जिंदगी में। आप यू आर इन सेफ हैंड, आप बहुत अच्छे संस्थान में, आप तो हंसते मुस्कुराते रहिए, हंसी का कोई भी अवसर मत छोड़े। इसलिए पहला कवि मैं आपको हास्य व्यंग का सौंपने जा रहा हूँ, ओपनिंग बैट्समैन सौंप रहा हूँ, शिखर धवन कहें या रोहित शर्मा, हालांकि शिखर धवन कल जल्दी आउट हुआ, रोहित शर्मा का शतक काम नहीं आया, लेकिन इसका शतक काम में आएगा। राजेंद्र सिंह कविया, जोरदार तालियां उठे पहले कवि को मैं आपको सुना। माँ सरस्वती ने प्रणाम, और आप सगला ने न्यारो न्यारो करूं कि सभी बटाने धोख है और टाबरियां को लाड गणूं, राम राम बाकी सगड़ाई लीजो मारो जनो जनो, राम राम बाकी सगड़ाई लीजो मारो जनो जनो। सबसे पहली मने भेजो, और मने भेजनू ही हो साहब, जाति सु चारण हूं, आप सगड़ा जनो कविता का जनक भी चारण हा। हिंदी साहित्य को आदिकाल पढ़ो, हिंदी साहित्य का विद्यार्थी जाने, आदिकाल को एक नाम चारण काल हो। मने भी सुंदरानी जी बोले तू चारण है हास्य व्यंग्य को कवि, लानत है तुझे। मैं बोलियो साहब मैं मेरी परंपरा की कविता लिखू, थारे समझ में ही को नहीं आवे। बोले सुना दे के समझ में को नहीं आवे, मैं एक छंद सुनायो, आपने भी सुनाऊं, अगर वो संबंध थारे छंद समझ में आ जाए तो मैं ई विधा का माई कविता लिख सू, छंद समर्पित करूं आपने। स्वागत कि दम चक्कर रचक न लगे लचक न को लम चक न तो लकड़ो टिंगल भाषा है के दम चक्कर चकन लगी लचकन कोल मचकन तोल कड्यो पकरालन बार खुबी कुरतालन व्याल कपालन साल बढ़्यो हुगमग बिलोचन सरंग डुले जगमग कृपालन अग जरी बजी खल तबलन हल उजलन धुम्मी हमलन भूमि धरी। कविता समझ में आई? अरे कविता नहीं समझ में आई तो भी की धुन तो समझ में आ रही, भी के लिए ताली बजाओ। राजस्थान का बहुत बड़ा कवि रामेश्वर जी बगड़िया की धरती है, जगह पूरा राजस्थान के मैं जानी जे भी धरती ने नमन करूं, और निश्चित रूप से राजस्थानी की कविता बेटे समझ में आसी। कन्हैयालाल जी सेठिया को एक बहुत प्यारो दुओ है, बिना चेहरे की कर हुए बिना चेहरे किया हुए खाली धड़री जान, तो राजस्थानी रहे बिना हो क्या रो राजस्थान, राजस्थानी रहे बिना हो क्या रो राजस्थान। वाह,
राजस्थान बहुत शानदार है साहब। ए सुंदरानी जी मारे घर आया, मारे आज थ्रेसर सु बाजरो कटारिया। बाजरो कटारिया बोले ये क्या है? मैंने कहा ये बाजरा है, राजस्थान का मुख्य खाद्यान्न। बोला ये खाद्यान्न? ए खाया तो बाजरो लगियो न स्वाद। दो चारे फांकी मारी, बोला इसको कैसे खाते हो? मैंने कहा कि उंकड़ में डालते हैं, मूसल की चोट मारते हैं, घंटे पर कूटते हैं, फिर इसकी लूप से काटते हैं, फिर इसका खिचड़ा बनाते हैं। बोला अरे ये बाजरा तो कच्चा ही इतना स्वाद लगते हो, तुम तो स्वाद लगता है, तुम तो मूर्ख हो, इस बाजरे के साथ अन्याय करते हो, अत्याचार करते हो। मैं बाजरा अधिकार आयोग में जाऊंगा, मैं बाजरा अधिकार आयोग में जाऊंगा, एक नए बाजरा अधिकार आयोग की स्थापना की जरूर मैं सिफारिश करूंगा सरकार से। आप बाजरे के साथ अन्याय करते हो, इतना पीड़ते हो, यहाँ करता करता फाका मारा 2.5 किलो बाजरो खाएगा। अब शाम का जार डोली के नीचे बैठे लेट बिलो बाजरो खाएड़ो घंटा भर ताने बैठे रही, अपन कोई पार नहीं पड़ी। जड़ा पसीनू पूछता भी आया, बोले रे बाजरा तेरा तो डोली ठुकबा लाएगी रे। राजस्थान बड़ो अद्भुत है साहब। बोले राजस्थान, राजस्थान काई का प्रदेश है? बोला यार यहाँ तो बरसात ही नहीं होती। मैंने कहा बरसात होने की औकात ही नहीं राजस्थान में। बोले बरसात की औकात ही नहीं? मैंने कहा हाँ, हम सिंह गर्जना करने वाले मेघ गर्जना को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैंने शंकर जी का एक दोहा सुनाया कि रे मेहा, राजस्थान की अस्मिता एक दोहे में प्रकट हो जाए तो तालियों से आशीर्वाद देना, कि रे मेहा तू गरजे मती और गरजत थोड़ो लज, पानी की औकात कहीं आ रक्त पीएड़ी रज, पानी की औकात कहीं आ रक्त पीएड़ी। ये धरती पर अतरो खून बहाती हो ठेका सुरमा जत्ती हटे बरसात नहीं हुई। बोले अरे राजस्थान अतरो ही महान है। बोले माके तो बटी उत्तर प्रदेश में ताजमहल है, तांगे ताजमहल क्यों कोनी? यार वो भी कोई तर्क है कि मैं तो गदे माके मारना पड़ता, तांगे मारना पड़ता क्यों कोनी? फिर भी मैं क्यों माके ताजमहल खेजड़िया के लटके है? बोले खेजड़ी के ताजमहल? मैंने कहा मेरा एक दोहा सुन। मैंने एक दोहा सुनाया इनको कि शिल्पकार भैया चिड़ी, शिल्पकार भैया चिड़ी पा निरुपम घड़ती नीड़, अरे एक ही पेड़ के लागती ताजमहल की भीड़। शिल्पकार भैया चिड़ी, भैया चिड़ी का घुसड़ा देखे बोला ताजमहल से भी ज्यादा सुंदर है बाप ना। ये थे गजेंद्र सिंह कविया, दो कविताएं सुनाकर वीर गति को प्राप्त हुए। छुट्टी कह के एक लंबी कविता सुनाई। लंबी कविता सुनाने का रिस्क होता है अतिथि महोदय, चीफ गेस्ट बैठे हुए। एक कवि सम्मेलन में एक कवि ने लंबी कविता सुनाई, सामने चीफ गेस्ट चल बसा। अरे बोले खतरनाक आदमी, इतनी लंबी कविता सुनाई, चीफ गेस्ट नहीं रहा। ले गए अदालत, जज ने पूछा तेरे को फांसी होगी, तेरी कोई अंतिम इच्छा हो तो बता। कवि ने कहा वही कविता मैं आपको भी सुनाना चाहता हूं। लंबी कविता सुनाने के रिस्क है, लेकिन घर के लोग हैं हमारे हिंदुस्तान में। आइए दोस्तों थोड़ा सा सफर को आगे बढ़ाते हैं और आपके संस्थान से जुड़े हुए वाजिद अली वाजिद को बड़े प्यार से आमंत्रण देते हैं। ओज की बात करते हैं, वीर रस की बात करते हैं। उनके आने से पहले आप एक छोटा सा काम करें, बाबा रामदेव का छोटा सा योग करें, आपका दाहिना हाथ उठे, बाएं हाथ पर गिरे और एक ताली की आवाज बिखरे और वाजिद अली वाजिद जी आपके। माँ शारदे को नमन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ आज के मुख्य अतिथि महोदयों का, निदेशक महोदय आदरणीय राम निवाजी सरनागा साहब का, विद्यालय स्टाफ का, यहाँ मंच पर विराजित सभी ग्रज कविगणों का, यहाँ छात्र छात्राओं के अभिभावक भी पधारे उनको भी नमन करता हूँ, बच्चों को प्यार, बुजुर्गों को अंतिम प्रणाम करता हूँ। निम्बाड़ा से चलकर आपके बीच हाजिर हुआ हूँ। मित्रों जैसा कि सुंदरानी जी बड़ा अच्छा संचालन कर रहे हैं, जिस रूप में उन्होंने खड़ा किया है, मैं उस पारी को खेलने की पूरी कोशिश करूंगा। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद चाहिए, एक बार ताली बजाकर समर्थन करें। कहना चाहता हूँ मित्रों की तहजीब सीखी है जो मैंने बुजुर्गों से, तहजीब सीखी है जो मैंने बुजुर्गों से, मैं उसी में जीना और मरना चाहता हूँ, और बांध कर मत रखो मुझे सीमित दायरों में, मैं दरिया की तरह बहना चाहता हूँ। लफाजी आती नहीं है मुझे कविताओं की, लफाजी आती नहीं है मुझे कविताओं की, इसलिए कुछ सच्चाई
बयां करना चाहता हूं और हकीकत बयां करने के लिए आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। आपका प्यार चाहिए। कहना चाहता हूं मित्रों कि मैं हिंदुस्तान की बात करता हूं, राष्ट्र चिंतन की बात करूंगा और हिंदुस्तान की सरजमीन से मैं पैदा होकर मैं किस रूप में आप कविता पाठ सुन कर रहा हूँ। भूमिका की आवश्यकता नहीं है, पंक्तियों को ध्यान लगाना और जहाँ अच्छा लगे आप उसे नवाजे, तालियों से मुझे पत्रकार बंधु को नमन करता हूँ और शुरू करता हूँ अपना काव्य पाठ। चार पंक्तियां निवेदन करता हूँ, मंच का आशीर्वाद चाहूंगा सभी का। स्वागत भाई। कि वतन का मान रखता हूँ, वतन की शान लिखता हूँ, वतन का मान रखता हूँ, वतन की शान लिखता हूँ, तिरंगे पर शहीदों की अमर कहानी लिखता हूँ, इसी धरती पे जन्मा और समा जाऊंगा इसमें ही, इसी धरती पे जन्मा और समा जाऊंगा इसमें ही, मैं अपने खून की बूंदों से हिंदुस्तान लिखता हूँ, अपने खून की बूंदों से हिंदुस्तान लिखता हूँ। धन्यवाद। अगली पंक्तियां चार नवीन राम सुनेगा। स्वागत। इस मुल्क की तारीफ में बात करना चाह रहा हूँ, सुनेगा कि हमारा मुल्क दुनिया में सभी से न्यारा लगता है, करे अपमान जो इसका वो अकल का मारा लगता है, हिफाजत करने इसकी हम कटा डालेंगे सर को भी, वतन हमको ये अपने जानो दिल से प्यारा लगता है, वतन हमको ये अपने जानो दिल से प्यारा लगता है। और कहना चाहता हूँ मित्रों, इस हिंदुस्तान में नफरत करने वाले बहुत कम मिलते हैं और मोहब्बत करने वाले बहुत मिलते हैं, तब कहना चाहता हूँ है नफरत करने वाले कम, बहुत ही कम जमाने में, मोहब्बत करने वाले कम नहीं है, खूब मिलते हैं, हमें तो एकता करनी है कायम छोड़ कर झगड़े, हमें तो एकता करनी है कायम छोड़ कर झगड़े, जहाँ कांटों की शाखें हैं वहीं पर फूल खिलते हैं, जहाँ कांटों की शाखें हैं वहीं पर फूल खिलते हैं। और कहना